वाओ ब्यूटी मैन ब्यूटी, इसी ब्यूटी को एडमायर करने तो आए हम इतनी दूर से, एंड वो भी बाइक के ऊपर मैन, कूल। So friend, this one is the parking entry to the hotel. This is the area to park your bike. Our bike is there, and now we are heading towards the Taj Mahal. You can see the morning vibes, fog is everywhere, and Taj Mahal is just here, 600 meters. So it's exactly 5:55. सुबह सुबह जाके वहाँ पे टिकट पे खड़ा नहीं रहना है, that's why हमने कल ही ऑनलाइन टिकट परचेस कर ली. सो कुछ टेंशन नहीं आएगा, डायरेक्टली ऑनलाइन टिकट दिखाएंगे. सो टिकट प्राइस आर 50 rupees फॉर इंडियन, और अंदर के डोम में अगर जाना है आपको सो देन यू हैव टू पे 200 rupees एक्स्ट्रा. सो टोटल टिकट चार्जेस विल बी 250 rupees. अभी आपको मॉर्निंग की वाइब दिखा देता हूँ, पूरा रोड खाली है. आई डोंट थिंक आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा. सो फ्रेंड इज करेंटली यू कैन सी इट्स अराउंड 6:17. हम लोग का टिकट था 6:30 का, बट दे स्टिल अलाउ अस टू कम इनसाइड. फर्स्ट पिक ये रहा 1862 का स्नैप्स. यू कैन चेक इट आउट ऑल द स्नैप्स ऑफ ताजमहल. You can remember that ticket validity is only for 3 hours. So ये गेट था हमारा ईस्ट गेट, वो रहा वेस्ट गेट. मेन एंट्रेंस है जो यहाँ पे, देट इज ओनली अलाउ फॉर VIPs. सो फ्रेंड्स यहाँ पे है इलस्ट्रेशन. जैसे जैसे आप अंदर जाओगे ना, आपको जैसे जैसे ताजमहल जो है वो छोटे से बड़ा होते दिखेगा. लेट मी शो यू, ये देख लीजिए, आपको छोटा छोटा होते जा रहा है. कैन यू सी, ये देखिए. सो दैट इज कॉल्ड द इल्यूशन विच आई मेड ऑन दैट टाइम. ये देखिए कितना छोटा हो गया. वाओ ब्यूटी मैन ब्यूटी, इसी ब्यूटी को एडमायर करने तो आए हम इतनी दूर से, एंड वो भी बाइक के ऊपर मैन, कूल. यहाँ से हम जूम करके दिखाते हैं आपको, वहाँ पे जो स्टोन्स है सनलाइट की यहाँ से स्पार्कलिंग हो रहा है. ये रहे वो स्टोन्स, तो ये आप देख सकते हो, ये ईच जैसे सनलाइट ऊपर ऊपर आता है, ईच एंड एवरी जो स्टोन्स है स्पार्कलिंग होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो ईच एंड एवरी वॉल का एंगल परफेक्टली लिया गया है, यू कैन सी. ऑल्सो इसके जो चारों पिलर है उसका जो एंगल है तो आप देख सकते हो, यहाँ से देखोगे तो ये बड़ा लगेगा, दूसरे साइड से देखोगे तो पीछे वाला बड़ा लगेगा, ऐसे नहीं. वो सब की हाइट सेम है. ये जो चारों पिलर है वो जो है उसका एंगल है थोड़ा टिल्ट है टुवर्ड आउटर साइड. तो उससे क्या होता है, जब यहाँ पे भूकंप आएगा तो वो अंदर की तरफ नहीं पड़ेंगे, बाहर की तरफ पड़ेंगे. तो इस तरह का प्रिकॉशन लिया गया है दैट टाइम. सो कैंट यू बिलीव, सोचिए उस वक्त ये सब इंजीनियरिंग की गई थी. वाओ. और ये जो टोम दिख रहा है ऊपर के, ये इस तरफ 11 है, पीछे की तरफ 11 है, सो टोटल 22 है. सो ये 22 क्यों, लेट मी टेल यू. इस ताजमहल को बनाने के लिए टोटल 22 ईयर्स लगे थे, सो दैट्स वाई देयर आर 22 टोम्स ऑन दिस वॉल. और ये जो दिख रहा है आप, ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, यहाँ पे जो वर्कर्स थे जिन्होंने ये कंस्ट्रक्ट किया है, तो वो टोटल 44,000 या 40,000 समथिंग वर्कर्स है, उनके रहने के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट की गई थी. ऑल ओवर है, यहाँ से अभी दिख नहीं रहे, तो वहाँ से यहाँ तक पूरे हैं. कूल मैन, क्या खूबसूरत चीज़ यार. जिससे से पास में आ रहा ना उसकी ब्यूटी और निखरती जा रही है. और सुबह सुबह यहाँ से सनराइज हो रहा है ना, परफेक्ट सन रिफ्लेक्शंस के ऊपर आ रहा है, और ये ब्लू स्काई. ओ मैन
फ्रेंड्स और पास आ गए हम। अब देख सकते हो इस एंगल से पता चलता है, ये एंगल थोड़ा टेढ़ा है बाहर की तरफ, वो एंगल तो ये एंगल से पता नहीं चलता है। इंजीनियरिंग देख लीजिए, तो इससे क्या होगा, वो बाहर की तरफ गिर जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, रूट फॉर जनरल टिकट होल्डर, दैट मीन दोज हु आर नॉट ब्रॉट द टिकट ऑफ डॉम यहाँ से बाहर चले जाएंगे, और दोज हु आर ब्रॉट द टिकट इनसाइड दे कैन कंटिन्यू ऑन दिस वे। सो हम यहाँ पे जाके घूम के अंदर की तरफ जाएंगे। आप लोगों को बताइए, डे बाई डे यूजेज द मार्बल ख़राब होते जा रहा है, तो उसको एज अ प्रिकॉशन बचाने के लिए दे विल प्रोवाइड अस अ शू कवर, वो हमको पहन के ही अंदर घूमना है, दैट इज़ द कंपल्सरी। तो फ्रेंड ऐसे शू कवर मिलता है 10 रुपीज़ के लिए, वो बंदा वहाँ पे दे देगा आपको। सो ये पहन के आपको उस टॉम के अंदर जाना है। दे विल ऑल्सो रिकन्फर्म यू अगर अपने टॉम का टिकट लिया है नहीं लिया है, अदरवाइज इट विल वेस्टेड फॉर यू। इस एंगल से देखेंगे आप ताजमहल को, चारों तरफ से आपको सेम ही दिखेगा, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी डिज़ाइन ऐसी की गई है कि चारों तरफ से वो सेम दिखे। तो फ्रेंड्स हमने पहन लिए हैं शू कवर टू विजिट दी डॉम का, टिकट चेक करेंगे, डिड यू हैव द टिकट फॉर डॉम और नॉट। इसके पीछे यमुना नदी, वो भी देखेंगे हम। सो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया है मार्बल। सो हम जा रहे हैं ऊपर, हम आ गए ताजमहल के इतने पास कि उसको छू ले। ऊपर का जो मीनार टाइप का था वो भी नहीं है, वो बोलते हैं कि वो पहले सोने का था, जब अंग्रेज आए उन्होंने चोरी करके लेके गए, तो यहाँ पे अभी अलग डाल दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। ऑल्सो ताजमहल आप देखोगे तो चारों एंगल से आपको पूरा वाइट दिखेगा, बट इसके ऊपर की तरफ रेड कलर की सैंड यूज़ की गई है। सो फ्रेंड्स यू कैन सी ऑन द टॉप ऑफ द सर्फेस ऑफ ताजमहल दे हैव यूज रेड सैंडस्टोन्स। बोला जाता है कि बैंकरप्ट हो गया था शाहजहान वाइल कंस्ट्रक्टिंग दिस ताजमहल, तो एज अ कॉस्ट कटिंग एरिया उसने ऊपर की तरफ रेड सैंड यूज़ की थी। सो फ्रेंड्स अंदर तो फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। कंस्ट्रक्शन दीजिए एकदम की अलग अलग शेप का मार्बल है, उसको कलर में डाल के बिल्ड किया गया है। ये जो नक्शी काम किया है वो आप देख लीजिए, क्या ब्यूटीफुल है यार, उस वक्त किया था इतनी ब्यूटीफुल चीज़ सुपर। और ये जो कलर्स है तो आप देखो तो ये एक ही पीस नहीं है, ये जो आपके अंदर के जो पत्ते का शेप दिख रहा है, ये जो लीफ टाइप जो थिंग है, जो डिज़ाइन है टोटल, ये अलग अलग मार्बल के पीसेस है, वो उसके अंदर फिट करके फिर ये चीज़ बनाई गई है। देख लीजिए कितनी ब्यूटीफुल है, कुछ गलती वाला काम नहीं, कुछ नहीं है। दैट्स व्हाई ताजमहल कम्स इन द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड मैन। कॉप्स ने भी पहना हुआ है, इट्स फॉर एवरीवन। चलो आपको दिखा देते हैं यमुना नदी। यमुना नदी
सो फ्रॉम उस टॉम की बात कर रहा था मैं, लेट मी जूम इट। तो वो जो टॉम था वो सोने का था, वो अंग्रेज चोरी करके लेके गए इतने ऊपर चढ़ के, सोचो। और अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ये अलग बटाया है वहाँ पे, अभी बोले तो बाद में जब अंग्रेज चले जाने के बाद। बस इतना ब्यूटीफुल है ना ये, जितना शूट करो उतना मेरे को कमी लग रहा है। हर एक एंगल पे, हर एक नक्शी काम देखिए आप, क्या बारीकी से काम किया गया है यार। मान गए बॉस, मान गए। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है इस पिलर पे। कल हम लोग वहाँ पे थे इन दैट आगरा फोर्ट, वहाँ से हमने ताजमहल देखा था, आज ताजमहल से आगरा फोर्ट देख रहे हैं। कूल मैन, लेट मी जूम इट फॉर यू। ताजमहल के पिलर के एकदम नीचे खड़े बॉस। सो फ्रेंड्स, इट्स 7:45। आप देख सकते हो पब्लिक आने स्टार्ट हो गया। मोस्ट ऑफ द जो पब्लिक था ऊपर आया नहीं, मेजरली हम देखे तो कोई टूर्स वाले फॉरेनर्स ही पब्लिक से यहाँ पे। मेजरली सब पब्लिक नीचे घूम रही है, आई थिंक दे हैवंट ब्रॉट द टिकट ऑफ टॉम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये शू कर फेंक देना है। जैसे आप डोम से यहाँ से उतर जाते हो, यहाँ पे कचरे के डब्बे रखे हैं फॉर थ्रोइंग योर प्लास्टिक बॉटल्स एंड शू कवर्स। कूल। सो वी हैव फाउंटेन हियर, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स हैं नीचे जाने के लिए। सो फ्रेंड्स, थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताजमहल की। सो ये कंस्ट्रक्ट किया था राजा शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए। ये टोटल एरिया है इंक्लूडिंग डोम, गार्डन, ये दोनों तरफ के डोम, गेस्ट हाउसेज एंड ऑल, 43 एकर्स का है। 10 साल लगे थे ये एरिया बनाने के लिए और अनदर 10 साल लगे इसके साइड वाले एरिया और इसके ऊपर और मेहनत करने के लिए। तो टोटल 20 साल लगे पूरे ताजमहल इस टोटल एरिया को कंप्लीट होने के लिए। 1653 में कंप्लीट हो गया पूरा कंस्ट्रक्शन। उस वक्त ताजमहल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ओवरऑल 32 मिलियन रुपीस लगे थे उस वक्त, सोच लीजिए। सो अगर हम कैलकुलेट करते 32 मिलियन अभी के टाइम, तो बॉस कितना पैसा हो जाएगा वो। फ्रेंड, बिकॉज अभी सनराइज यहाँ से हुआ है, इस गेट जहाँ से हमने एंट्री की है, पूरा ताजमहल देखो इस एंगल से यार, क्या एकदम चमक रहा है। हम सभी ने मिलकर इसकी ब्यूटी बरकरार रखनी चाहिए यार। वी ऑल शुड सपोर्ट इट्स क्लीननेस। गजब चीज़ है बॉस, गजब चीज़। सो फ्रेंड्स, आई डोंट नो आपको वीडियो में से पता चल रहा है कि नहीं, ये जो नीचे का एरिया, ये दो पिलर्स, ये जो चारों पिलर्स है पीछे का भी, सब वाइट वाइट दिख रहे हैं। इतना एरिया भी पूरा वाइट दिख रहा है मार्बल, मगर ये जो डोम का मार्बल है ना, वो थोड़ा येल्लोइश हो चुका है। मैं जूम करके देखता हूँ, बट आई डोंट थिंक वीडियो में इतना क्लियर विजिबल होगा, मगर रियल आँखों से बहुत अच्छे तरह से दिख रहा है ये।
ये देखिए कलर डिफरेंस इसका। सो ये जो है थोड़ा येलोइश हो गया है मार्बल। अभी कंपैरिजन देखिए नीचे का, होप थोड़ा तो डिफरेंस आपको पता चला होगा। तो ये रहा अपना ताजमहल, यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन है एग्जैक्टली उसी पोजीशन अपवर्ड्स है, और यहाँ पे एक रूम्स है एग्जैक्टली स्ट्रेट, और ये यहाँ पे एक रूम है एग्जैक्टली स्ट्रेट। इसके पहले जो डोम था वहाँ पे था एग्जैक्टली उस साइड, एक सेम डोम इस साइड भी है, वहाँ पे विजिट करके हो गया, एक सेम रेप्लिका है इसी की। एंड देन दिस इज़ द एंट्रेंस गेट। सो फ्रेंड दिस इज़ द चार्ट ऑफ ताज महल कंप्लीट एरिया विच इज़ 47 एकर्स लैंड। सो फ्रेंड्स ये है इस गेट जहाँ से हम आए, दिस इज़ द एंट्री ओनली फॉर VIPs। ये वेस्ट गेट, और ये रहा अपने ताजमहल का एंट्रेंस टॉम, जिसे मैंने बता दिया दिस आर द 11s यू कैन काउंट एंड सेम 11s ऑन दैट साइड बिकॉज इट took 22 years टू बिल्ड कम्प्लीट ताजमहल एरिया मैन। सो फ्रेंड्स कम्प्लीट ताजमहल आपको अंदर से बाहर से, अंदर से नहीं दिखा पाए सॉरी, कुछ कुछ एरिया था वहाँ पे शूट कर लिया हमने, सॉरी कुडंट डू दैट बिकॉज अलाव ही नहीं है अंदर, तो क्या करें, वी हैव टू रिस्पेक्ट द प्रॉपर्टी। आई थिंक इट्स बेस्ट इनफ टू क्लोज दिस व्लॉग इनसाइड ताजमहल इटसेल्फ। सो इफ एनी हाउ यू गाइस लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इन केस यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग बाय सर्चिंग ऑन एनी ऑफ द लिंक्स, आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज डू सब्सक्राइब। सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, वाह व्हाट अ व्यू मैन। आज हमारी लास्ट शाम है इन आगरा इन फ्रंट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ताजमहल।